हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मनीषा राजू में आप सभी का वेलकम है और दिल से स्वागत करते हैं। आप थोड़ा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया करो। और आज हम चर्चा करेंगे, वो मनीषा जी बताएगी किस बारे में करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हम सुन 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 सुन, अरे रुक रुक रुक, सब्सक्राइबर भी कर देना यार। राम राम आप सभी भाई बहनों को। और आज हम आप सभी को बताएंगे कि क्या कोर्ट मैरिज करना गलत है या सही है। तो आप मेरा वीडियो को पूरा देखें और फिर आप सभी कमेंट करें कि हमने जो भी बोला है वो गलत था या सही है। तो सबसे पहले तो इस बात पे चर्चा करते हैं कि कहने का मतलब गलत तो बहुत ही है और सही भी है अपने हिसाब से तो, बट गलत में तो ना हमको फैमिली गांव सब कुछ छोड़ना पड़ता है कोर्ट मैरिज करने के बाद। पता नहीं, क्योंकि शहर में तो आजकल एक्सेप्ट हो जाते हैं लेकिन गांव में बहुत दिक्कत आती है ना, इसीलिए एक्सेप्ट जल्दी से नहीं होते हैं। वैसे ही आप हम दोनों की मान लो, वैसे हमने भी सेम डिसीजन है गांव में मान लो या यहाँ पे मान लो, तो इसके बारे में हम मनीषा जी से बात करते हैं क्या कि हमने करके गलती की है या नहीं की है, ये मनीषा बताएगी आपको। वैसे तो कोर्ट मैरिज करना कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर दुनिया की नज़रों से देखें तो गलत ही है। क्योंकि हमें गांव में से या अपने लाइफ पार्टनर में से दोनों में से सिर्फ एक को चुनना होता है, या तो अपने प्रेमी को चुन लो या फिर अपनी माई या अपने गांव को चुन लो। बस सबसे बड़ी यही दिक्कत होती है कि उसमें इतने अपने घर वाले दिक्कत नहीं करते हैं, इतने हमारे गांव वाले ऑब्जेक्शन करते हैं, इसलिए हमारे माँ बाप मजबूर होकर और हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन करने वाले कई लोग करते हैं जिनको इस बात का कोई अतराज नहीं होता है, या फिर वो चाहते हैं कि मैं तो गांव से ज़्यादा अपनी अपनी औलाद प्यारी है, तो वो अपने औलाद को एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं ऐसे जो गांव के साथ चलते हैं, इसलिए वो हमको बुला नहीं पाते हैं। लेकिन ये कानून सबसे ज़्यादा गांव में लागू हो गया है, क्योंकि शहर में तो इस बातों को कोई भी नहीं जानता। शहर सिटी में तो सारे ऐसे ही चलते हैं, लेकिन पता नहीं गांव में क्या हो रहा है ऐसा। गांव के लोग थोड़े बदल से रहे हैं, अभी गांव के लोग गांव के जैसे है और सिटी के लोग सिटी की तरह हो गए ना, इसलिए बदल रहे हैं। मनीषा जी ने बताया कि गांव में ऐसा होता है, तो अफकोर्सली कई जगह होता है, कई जगह नहीं भी होता है, वो तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ। तो आप भी कृपया सोच समझ के करें, अपना गांव घर बार सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा एक, लेकिन कईयों के एक्सेप्ट हो भी जाता है, इसलिए सोच समझ के ये काम करें। क्योंकि आपको तो पता है उसमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, फैमिली से लेके गाँव से लेके सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और कई जगह तो मारपीट भी हो जाती है, आपको तो पता है कई जगह मार मोड़ देते हैं। तो थोड़ा कंट्रोल रखें और अपने हिसाब से कोर्ट मैरिज करें। कोर्ट मैरिज करने से पहले अपना लाइफ पार्टनर को एक बार सोच समझ ले कि वो हमारे साथ हर जिंदगी भर गुजार सकता है या नहीं गुजार सकता, तो उसे सोच समझ कर ही शादी करें। अगर उसको आप पहचान नहीं पा रहे हो तो आप ब्रेक ले लें कि अभी मैं सोचूंगी समझूंगी फिर बाद में शादी करूंगी, नहीं तो आपकी ज़िंदगी झंड बन जाएगी और आप बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाओगे ज़िंदगी में। तो अपना लाइफ पार्टनर अच्छा चुनो पहले तो, और फिर बाद में कोर्ट मैरिज करने का सोचो। हम दोनों का आपसे यही कहना है कि सोच समझ के करें, क्योंकि सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तो इसके हिसाब से ही करें, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत दिक्कत भी आती है। क्योंकि जब आप जिसके भरोसे आपने सब कुछ छोड़ा वही अगर आपको छोड़ दे तो कितनी दिक्कत होती है, ये तो आप सबको पता ही होगा। इसलिए कभी सोच समझ के ही कदम उठाए, एक बार समझ ले, ये नहीं कि 2 महीने प्यार किया और उठा के लेके शादी कर ली, ऐसा कभी ना करें। क्योंकि हम दोनों ने भी कम से कम 6-7 साल वेट किया था, उसके बाद हमने शादी की थी, कम से कम 2014-15 से 2022 में जाके हमने शादी की थी, 2021 के लास्ट मंथ में। तो आप भी सोच ले समझ ले और तभी कोर्ट मैरिज करें। अगर मेरा वीडियो सबको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप भी मेरे
कमेंट करना कि आपको भी शादी करनी है या नहीं करनी है, और मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। और थोड़ा प्यार दे, सपोर्ट करे, लाइक करे, कमेंट करें।